कहानी की शुरुआत में हम एक यंग कपल लैरी और टेरी को देखते हैं, जो कि अपने यूट्यूब चैनल सुपर होस्ट के लिए वीडियोस बनाते थे, जिस पर वो अलग अलग जगहों पर जाकर रेंट पर दिए जाने वाले घरों का रिव्यू देते थे। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि उनका चैनल सुपर होस्ट इसी टाइम बहुत अच्छा चल रहा था, मगर अब उनके सब्सक्राइबर्स बहुत कम हो चुके थे। यहाँ तक कि अब उनका गुजारा भी मुश्किल से चल रहा था और उन्हें अपना गुजारा चलाने के लिए टेरी के पिता से पैसे उधार लेने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से टेरी का अपने परिवार के साथ रिलेशन काफी खराब हो चुका था। मगर टेरी इन बिगड़े हुए हालातों को ठीक करने के लिए अगली ट्रिप में क्लैरिक को प्रपोज करने का प्लान बनाता है। उनकी अगली मंजिल पहाड़ियों पर बना हुआ एक खूबसूरत घर था, जहाँ पर वो दोनों बहुत महीनों से जाने का इंतजार कर रहे थे, मगर हर बार वो घर बुक रहता था, लेकिन इस बार उन्हें वहाँ जाने का मौका मिल गया था। क्लैरी और टैडी को घर की होस्ट की तरफ से डोर कोड दिया जाता है, जिसे लगाने की वजह से वो घर के अंदर जा सकते थे, और जब वो दोनों घर के बाहर पहुँचते हैं तो वो डोर पर कोड लगाने लगते हैं, मगर वो डोर कोड काम नहीं करता क्योंकि उन्हें गलत कोड दिया गया था। तो वो उस घर की मालकिन यानी कि होस्ट को बार बार फोन करते हैं, लेकिन उनके फोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। होस्ट का इंतजार करने की बजाय वो लोग अपने चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। यहाँ पर वो वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक पीछे से उस घर की होस्ट रिबेका आकर खड़ी हो जाती है। रिबेका के देखने का और हंसने का अंदाज काफी अजीब था। असल में रिबेका अपने घर के सिक्योरिटी कैमरा में क्लैरी और टैडी को देख लेती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आई थी। यहाँ पर वो दोनों रिबेका से डोर का कोड काम ना करने पर पूछते हैं। रिबेका उन्हें बताती है कि जो लोग इस घर में पिछली बार रहने के लिए आए थे वो यहाँ से जाना नहीं चाहते थे, और उनकी वजह से ही मुझे इस घर का कोड चेंज करवाना पड़ा और मैं आपको इस बारे में बताना भूल गई। इसके बाद रिबेका डोर ओपन करके उनको घर दिखाने लगती है। वो घर उन्हें उतना ही खूबसूरत लगता है जितना उन्होंने वेबसाइट में देखा था। यहाँ पर टैडी रेस्ट रूम को चेक करने के लिए चला जाता है और वहीं क्लैरी अपनी वीडियो बनाना शुरू कर देती है, और अपनी वीडियो के लिए वो रिबेका को शूट करना चाहती थी, मगर तभी रिबेका उसे मना कर देती है और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। ये देखकर क्लैर को थोड़ी हैरानी होती है, तो क्लैर रिबेका से कहती है कि इस घर को रेंट पर रहने से पहले उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया था कि वो क्या काम करते हैं, और साथ ही उन्होंने इस घर के होस्ट को भी वीडियो में अपीयर होने के लिए मना लिया था। क्लैर की बात सुनकर रिबेका फाइनली अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए मान जाती है, और साथ ही में रिबेका क्लैर को बताती है कि अभी ऑफ सीजन चल रहा है तो मुझे नहीं पता था कि अगले हफ्ते से पहले कोई यूट्यूबर हमारे घर में रहने के लिए आएगा। इन दोनों की बातचीत के दौरान टैडी वहां पर आकर रिबेका को बताता है कि रेस्ट रूम का वॉशरूम काम नहीं कर रहा, जिस पर रिबेका कहती है कि कल मैं रिपेयरिंग टूल लाकर उसे ठीक कर दूंगी। रिबेका के जाने के बाद वो अपने यूट्यूब चैनल के लिए हाउस का टूर कराते हुए वीडियो शूट करने लगते हैं, जिसमें वो बेड से लेकर ओवन तक हर चीज को रिकॉर्ड करते हैं। वो अपनी वीडियो में कुछ अजीबोगरीब चीजें भी बताते हैं, जैसे कि खिड़कियों पर पर्दों का ना होना और बेसमेंट में बने स्टोरेज में डू नॉट एंटर लिखा होना, हर जगह सिक्योरिटी कैमरा का लगा होना और उस घर में कोई बिल्ली ना होने के बावजूद भी घर में कैट रूम का बना होना। वीडियो शूट होने के बाद जब वो वीडियो देखते हैं तो क्लैर को वो वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो टैडी को इस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करने के लिए कहती है। वीडियो को अपलोड होने के लिए काफी टाइम लग रहा था क्योंकि वहां पर नेटवर्क बहुत स्लो था। वीडियो को अपलोड पर लगाने के बाद वो दोनों बालकनी में आ जाते हैं। क्लैर को बहुत फिक्र हो रही थी कि वो दोनों अब बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो टैडी उसे कहता है कि भले ही हम इस बुरे दौर से गुजर रहे हों, मगर मुझे खुशी है कि हम दोनों साथ हैं। उस रात टैडी को नींद नहीं आती और वो उठकर लैपटॉप में वीडियो को चेक करने लगता है, और तभी वो देखता है कि वीडियो अभी तक अपलोड ही नहीं हुई। इसके बाद टैडी खुली हवा में सांस लेने के लिए बालकनी में चला जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर सड़क पर खड़ी हुई रिबेका पर पड़ती है, जो कि उसे बहुत डरावने तरीके से देख रही थी। रिबेका की आंखें अंधेरे में चमक रही थी, और तभी अचानक क्लैर वहां टैडी के पास आ जाती है, और फिर जब टैडी सड़क के बीच दिखता है तो वो देखता है कि रिबेका अब वहां नहीं थी। ये देखकर टैडी थोड़ा डर जाता है। अगले दिन टैडी मोबाइल पर देखता है कि उन्हें यूट्यूब की तरफ से एक मेल आया है, जिसमें लिखा हुआ है कि उनका चैनल सस्पेंड कर दिया गया है। तो क्लैर उसे कहती है कि जो कल हमने इस घर के बारे में बैड रिव्यूज की वीडियो शेयर की थी उसकी वजह से ही हमारा चैनल सस्पेंड हुआ है। इसके बाद वो यूट्यूब की हेल्पलाइन से बात करने के लिए उन्हें घर से बाहर निकलकर कॉल लगाती है। तभी रिबेका टॉयलेट ठीक करने के लिए घर पर आ जाती है, और क्लैर को फोन पर बिजी देखने के बावजूद भी उससे बात करने की कोशिश करती है। क्लैर उसे कहती है कि वो एक इम्पोर्टेंट कॉल पर बिजी है तो वो उससे बात नहीं कर सकती, मगर रिबेका इस बात पर नहीं मानती। रिबेका फिर भी उसे बार बार डिस्टर्ब कर रही थी, जिससे क्लैर रिबेका को अंदर जाकर टैडी से बात करने को कहती है। इसके बाद रिबेका घर के अंदर जाकर टॉयलेट ठीक करने लगती है। शुरू में वो आराम से फ्लश ठीक करने की कोशिश करती है, मगर जब उससे नहीं होता तो वो जोर से फ्लश ठीक करने की कोशिश में लग जाती है, और जब इसके बावजूद भी टॉयलेट ठीक नहीं होता तो वो टैडी से कहती है कि कल मैं किसी एक्सपर्ट को लेकर आऊंगी जो कि टॉयलेट को ठीक कर सके। तभी क्लैर अंदर आकर कहती है कि बैड सिग्नल होने की वजह से वो यूट्यूब एक्सपर्ट से ठीक से बात नहीं कर पाई, मगर फिर भी उसने किसी भी तरह अपने चैनल की डिटेल्स उन्हें दे दी है। फिर वो दोनों कुछ देर के लिए जंगल में टहलने के लिए चले जाते हैं। वहाँ क्लैर टैडी से कहती है कि हमारे सब्सक्राइबर कम होने की वजह से फिर भी वीडियो बनाना हमारे लिए अकलमंदी की बात नहीं है, लेकिन टैडी उसे कहता है कि मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, इसलिए वो चैनल पर वीडियो डालना कंटिन्यू रखना चाहता है। लेकिन उसकी इस बात से क्लैर खुश नहीं होती क्योंकि वो टेंशन में थी, उन्हें अपना रेंट भरने में भी मुश्किल हो रही थी, और इस बात से इरिटेट होकर वो वापस टैडी को घर जाने के लिए कहती है। घर आकर वो अब तक लिए गए सारे फुटेजेस को चेक करते हैं, और इसी दौरान क्लैर चेक करती है कि सारे फुटेजेस में रिबेका का चेहरा बहुत डरावना लग रहा है। उसी रात जब
जब टैडी और क्लेयर सो रहे होते हैं तो बाहर से आने वाली अजीब आवाज से दोनों की नींद टूट जाती है। क्लेयर को डर लगने लगता है तो वो टैडी को नीचे जाकर अलार्म चेक करने के लिए कहती है। वो देखता है कि अलार्म ऑन है, मगर वो अपनी तसल्ली के लिए अलार्म को फिर से ऑफ करके ऑन कर देता है। और जब वो वापस जाने ही वाला होता है तभी उसे एक और आवाज सुनाई देती है जो बाथरूम से आ रही थी। जब वो वहां जाता है तो देखता है कि टॉयलेट अब ठीक हो चुका था और फ्लश के अंदर उसे नकली दांतों का एक सेट अटका हुआ मिलता है जिसे निकाल देने पर टॉयलेट फिर से पूरी तरह से ठीक काम करने लग गया था। अगली सुबह उठने पर टैडी को एक मैसेज मिलता है कि उनका अकाउंट फिर से एक्टिवेट हो गया है। इसके बाद वो अंडरवेयर में ही अपने कमरे से निकलकर नीचे आ जाता है और देखता है कि रिबेका किचन में कुछ बना रही थी। रिबेका टैडी से कहती है कि घर पर अब तक उन्हें जो भी मुश्किलें हुई उसके बदले में वो उनके लिए नाश्ता बना रही है। टैडी को ये चीज काफी अजीब लगती है जिससे वो वापस ऊपर कमरे में चला जाता है और दोनों रिबेका के वापस घर जाने पर ही नीचे आते हैं। क्लेयर को रिबेका का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट काफी अच्छा लगता है तो वो मजाक में सिक्योरिटी कैमरा की तरफ देखकर थैंक्स कहती है और तभी सिक्योरिटी कैमरा से रिबेका की आवाज आती है, मोस्ट वेलकम। रिबेका को जवाब देते सुनकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि रिबेका सिक्योरिटी कैमरा की हेल्प से उन्हें देख ही नहीं रही बल्कि उनकी सारी बातें भी सुन रही है। थोड़ी देर बाद क्लेयर और टैडी अपने ट्रिप की वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त सन की होस्ट के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन टैडी क्लेयर से कहता है कि रिबेका उनकी बात सुन रही हो, इसलिए वो उस रूम का कैमरा बंद कर देते हैं ताकि वो आराम से वीडियो शूट कर सके। लेकिन तभी कोई बाहर से घर के अंदर पत्थर फेंकता है जो टैडी को लगते लगते रह गया था। टैडी और क्लेयर दौड़कर घर के बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वेरा नाम की औरत वहां पर खड़ी थी। वो उस घर की सेकंड होस्ट। वेरा उन्हें कहती है कि जो तूने हमारे घर के बारे में बैड रिव्यू दिया था उससे हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, हमें घर के लिए किराएदार मिलने बंद हो गए हैं और हमारे घर की मार्केट में डिमांड कम हो गई है। वेरा बताती है कि यूट्यूब में रिपोर्ट कर उसी ने ही उनके चैनल को बंद करवाया था और खिड़की पर पत्थर भी उसी ने ही मारा है। इतने में रिबेका वहां पर आती है और टूटी हुई खिड़की को देखकर वेरा पर बहुत गुस्सा होती है और वो कहती है कि अगर वेरा वहां से नहीं गई तो वो पुलिस को कॉल कर देगी। वेरा रिबेका को समझाने की कोशिश करती है कि वो उन दोनों से होशियार रहे वरना वो बैड रिव्यू देकर उसके बिजनेस को भी बंद करवा देंगी। मगर उसकी बात पर रिबेका को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाने और उसे धमकाने लगती है। इस पर वेरा उसे डरकर तुरंत वहां से चली जाती है। तो अब रिबेका उन दोनों से कहती है कि उसके पास थोड़ा टाइम फ्री है तो अगर वो चाहे तो घर के बारे में वो उससे इंटरव्यू ले सकते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत में वो थोड़ा नर्वस फील करती है इसलिए जोर से चिल्लाती है कि उसकी नर्वसनेस थोड़ी दूर हो सके। इसके बाद टैडी के क्वेश्चन पूछने पर रिबेका कहती है कि ये घर उसके डैड का था और उनके जाने के बाद ये घर उसे विरासत में मिला था। वो उस घर को अपने डैड की आखिरी निशानी मानती थी इसलिए वो घर के पास ही एक छोटे से घर में रहती थी ताकि वो उस घर पर नजर रख सके और अच्छे से इसकी देखभाल भी कर सके। वो कहती है कि उसके हिसाब से घर खाली नहीं रहना चाहिए इसलिए वो उसे रेंट पर दे देती है। अगले सवाल के जवाब पर वो कहती है कि सबसे ज्यादा उसे उस बूढ़े कपल की याद आती है जिसने छुट्टियां मनाने के लिए उसे भी अपने साथ रखा था। ये कहकर वो रोने लगती है जिस पर टैडी को इंटरव्यू वहीं पर बंद करना पड़ता है। रात को टैडी और क्लेयर अब तक लगे सारे फुटेजेस को चेक करते हैं। तभी क्लेयर नोटिस करती है कि रिबेका का बिहेवियर कुछ अजीब था। तो क्लेयर कहती है कि लोग सनकी और पागल लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं तो इसलिए रिबेका के हमें और भी वीडियोस बनाने चाहिए। इतना कहने के बाद वो सोने के लिए कमरे में चली जाती है लेकिन टैडी अपने व्यूवर्स को एक सीक्रेट बताता है कि अगले दिन वो क्लेयर को प्रपोज करने वाला है। इतना कहने के बाद वो भी सोने के लिए चला जाता है। कुछ देर के बाद खिड़की के बाहर खड़ी हुई रिबेका गुस्से से उन दोनों को सोते हुए देख रही है। अगले दिन टैडी और क्लेयर वॉक के लिए जंगल में जाते हैं। क्लेयर अपने वीडियोस के लिए कुछ फुटेजेस रिकॉर्ड कर रही है लेकिन तभी टैडी से कैमरा बंद करने के लिए कहता है जिस पर क्लेयर कैमरा बंद कर देती है और खुशी खुशी टैडी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन क्लेयर फिर से कैमरा निकालती है और टैडी को कैमरे के सामने उसे प्रपोज करने के लिए कहती है ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिल सके। मगर टैडी कैमरा के सामने अपनी पर्सनल फीलिंग्स को शेयर नहीं करना चाहता था इसलिए वो क्लेयर से नाराज होकर वापस हाउस में चला जाता है। तभी क्लेयर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो टैडी को रोककर उसे माफी मांगती है। साथ ही वो टैडी से वादा करती है कि घर लौटने तक वो कैमरे को हाथ भी नहीं लगाएगी। घर लौटने पर क्लेयर नोटिस करती है कि कमरे के बीच फर्श पर उनका लैपटॉप रखा हुआ था जिसमें रिबेका का इंटरव्यू चल रहा था। तभी टैडी को वहां पर एक मेल पड़ा हुआ मिलता है जिस पर बेटी लाउ जॉनसन लिखा हुआ था जो रिबेका के यूजर नेम से मैच करता था। मगर जैसे ही सिक्योरिटी कैमरा बीप की आवाज लेकर उनकी तरफ टर्न करता है तो वो भी थोड़ा डर जाती है और वो भी टैडी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और दौड़ कर टैडी के साथ कार में बैठ जाती है। वहां से निकलकर वो दोनों खुद को सेफ महसूस करते हैं मगर कुछ ही दूर जाने पर रोड के बीच वो रिबेका को खड़ा पाते हैं जिससे उन्हें मजबूरन अपनी कार रोकनी पड़ती है। वो उन्हें वक्त से पहले जाता देखकर ज्यादा परेशान नहीं दिखती और वो उन दोनों से कहती है कि वो उन्हें एक आखिरी सरप्राइज देना चाहती है जिसके लिए वो उन दोनों को कैमरा लेकर उसके साथ आने को कहती है। टैडी तो उसके साथ जाना नहीं चाहता था मगर क्लेयर उसे ये कहकर मना लेती है कि इसी बहाने उसे रिबेका के कुछ और फुटेजेस मिल जाएं जिससे उसके वीडियोस और अच्छे बन जाएंगे। क्लेयर टैडी से कहती है कि अगर उसके वीडियोस पर व्यूज बढ़ने लगे तो उन्हें और किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़े। इसके बाद वो दोनों कैमरा ऑन करके रिबेका के पीछे
पीछे जंगल की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते के बीच रिबेका अपना इंटरव्यू बिल्कुल वैसे ही देती है जैसे कि क्लेयर और टैडी अपने वीडियो की शुरुआत में इंटरव्यू देते थे। जैसे जैसे वो लोग जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे रिबेका कैमरे के सामने अचानक से कूदकर अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगती है और कभी उन्हें पागलों की तरह जोर जोर से हंसकर डराने लगती है। आखिर वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वेरा एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके मुंह पर टेप लगा हुआ था। ये देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। वहीं रिबेका चाकू निकालकर क्लेयर से सब कुछ रिकॉर्ड करने को कहती है। रिबेका उन दोनों को ये भी कहती है कि उसे इस बात का बहुत दुख है कि उन्हें यहाँ रहने में कुछ खास मजा नहीं आया, इसलिए उसने उन्हें ये सरप्राइज देने के बारे में सोचा है। इसके बाद रिबेका पहले अपना कोट उतार कर पेड़ पर टांग देती है और फिर वेरा से माफी मांगते हुए सचमुच उसके चेहरे पर चाकू से वार कर देती है। फिर लगातार उसके पेट में चाकू फोड़ती जाती है। ये देखकर क्लेयर और टैडी इतना डर जाते हैं कि तुरंत वहां से भाग जाते हैं। वेरा को मारने के बाद रिबेका खुद को रिकॉर्ड करते हुए उनके पीछे चलना शुरू कर देती है। उधर क्लेयर और टैडी को लगता है कि कार के पास जाना सेफ नहीं होगा क्योंकि रिबेका वहां पर उनका इंतजार कर रही है, इसलिए वो घर की तरफ भागते हैं। पहले तो वो घर में जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं मगर बाद में टैडी पुलिस को कॉल करने के लिए बाहर निकलता है और जैसे ही जंगल की तरफ से रिबेका की आवाज आने लगती है वो तुरंत घर के अंदर चला जाता है और दोनों मिलकर डोर लॉक कर देते हैं। क्लेयर लॉक में लगे हुए बटन की हेल्प से पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करती है मगर बदकिस्मती से वो बटन काम नहीं करता। लेकिन फिर अचानक उनकी नजर खिड़की के बाहर खड़ी हुई रिबेका पर पड़ती है। रिबेका के हाथ में उनकी कार की चाबी थी। यहाँ पर रिबेका धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगती है और जब रिबेका दरवाजे पर पहुंचती है तो दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे अंदर आने से रोकते हैं। क्लेयर रिबेका से कहती है कि हम सारे फुटेजेस को डिलीट कर देंगे जो भी उसने जंगल में किया और उसके बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे और रिबेका को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता लेकिन वो थोड़ी देर के लिए वहां से चली जाती है। वहीं क्लेयर और टैडी घर के बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढते हुए स्टोरेज में पहुंच जाती है जहां पर जाना मना। दूसरी तरफ टैडी खिड़की से रिबेका के ऊपर नजर रखता है। उधर दूसरी तरफ स्टोरेज रूम में क्लेयर को एक मग और एक कंप्यूटर डिवाइस मिलता है जिससे वो समझ आती है कि रिबेका इसी स्टोरेज रूम में रहती थी और उसने उन्हें झूठ बोला था कि वो पास के ही किसी घर में रहती है। क्लेयर को कंप्यूटर से सिक्योरिटी कैमरा का एक्सेस मिल जाता है और वो देखती है कि टैडी खुद को बचाने के लिए फायर प्लेस में यूज होने वाले रॉड को उठा लेता है। तभी क्लेयर की नजर एक कैमरे पर पड़ती है जिसमें रिबेका टैडी को कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन क्लेयर के पास आवाज होने का ऑप्शन नहीं था इसलिए वो उन दोनों की बातचीत नहीं सुन पाती। रिबेका टैडी को बताती है कि बैथी लाओ और उसकी बिल्ली को उसने इसलिए मार डाला था क्योंकि उसने रिबेका को अपने साथ घर में रहने की इजाजत नहीं दी। उधर क्लेयर देखती है कि रिबेका के कंप्यूटर में इंटरनेट काम कर रहा है। वो तुरंत अपने चैनल पर एक वीडियो डालकर अपने व्यूवर से पुलिस को वहां पर भेजने की रिक्वेस्ट करती है। जैसे ही वीडियो अपलोड होना शुरू होता है उसे पीछे से वहां रिबेका आती हुई नजर आती है। रिबेका उसे बताती है कि उसने अपने कैमरा के माइक्रोफोन को अपने फोन से लिंक कर रखा है जिससे वो घर के आसपास टहलते हुए आराम से घर के किराएदारों की बातें सुन सकती है और किसी को उस पर शक भी नहीं होता था। उधर दूसरी तरफ टैडी अभी तक दीवारों पर लगे हुए कैमरों की तरफ ही देखी जा रहा था। स्टोरेज रूम में आने वाली चीखों को सुनकर वो समझ आता है कि क्लेयर किसी मुसीबत में है और वो तेजी से दौड़ता हुआ स्टोरेज रूम में पहुंच जाता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो देखता है कि रिबेका ने क्लेयर के बालों को कसकर पकड़ा हुआ था और उसे मारने के लिए हाथ में चाकू निकाले बैठी हुई और टैडी के आते ही क्लेयर का गला चाकू से काट देती है। ये देखकर टैडी खुद को बचाने के लिए बाल की तरफ भाग जाता है और रिबेका उसे पकड़ने के लिए तेजी से उसके पीछे भागने लगती है और तभी वो चाकू से इस पर वार करके उसे घायल कर देती है। टैडी किसी तरह घर से बाहर निकलकर बाहर से दरवाजा बंद कर देता है मगर चाकू लगने की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। लड़खड़ाते हुए वो जमीन पर गिर जाता है। वहीं रिबेका एक सीक्रेट दरवाजे की मदद से बेसमेंट से बाहर आ जाती है। उसे अपनी तरफ आता देखकर टैडी तुरंत वहां से भागने लगता है। टैडी को भागते देखकर रिबेका भी रिकॉर्डिंग करते हुए उसके पीछे भाग रही थी। वो रिकॉर्डिंग करते हुए कहती है कि आज उसने दो शिकार कर लिए हैं और तीसरा अभी बाकी है। टैडी के जख्मों से निकलते हुए खून की वजह से रिबेका उसे बहुत आसानी से ट्रेस कर लेती है। वहीं लगातार भागते हुए एक चीज से टकरा जाता है जिसे देखने पर उसे पता चलता है कि वो बैठी लियो और उसकी बिल्ली की लाश थी जिसको रिबेका ने ही मारा था। ये देखकर टैडी अपनी चोट का दर्द भूलकर और भी तेजी से भागने लगता है और अपनी कार तक पहुंच जाता है मगर कार का डोर लॉक होने की वजह से वो उसे खोल नहीं पाता। जब वो डोर खोलने की कोशिश करता है तो कार जोर जोर से बीप करने लगती है। फिर टैडी देखता है कि कार की बीप करने की आवाज रिबेका के की बटन को ऑन करने की वजह से आ रही थी और जब रिबेका उसके पास पहुंचती है तो वो देखती है कि टैडी कार के सहारे मरने की हालत में बैठा हुआ था। ये देखकर रिबेका सबसे पहले कैमरे को रिकॉर्डिंग पोजीशन में जमीन पर रख देती है और फिर टैडी की जेब से एंगेजमेंट रिंग निकालकर पहन लेती है और फिर उसे चाकू से मारकर खत्म कर देती है। इसके बाद वो उसकी बॉडी को कार की डिक्की में डालकर कार ड्राइव करते हुए वापस घर आ जाती है और अपने हाथ धोकर उस रिंग को निकालकर अपने नेकलेस में डाल लेती है। इसके बाद वो स्टोरेज रूम में आकर देखती है कि क्लेयर का वो वीडियो जो उसने हेल्प मांगने के लिए अपलोड किया था वो अब अपलोड हो चुका था। ये देखकर कुछ सेकंड के लिए रिबेका घबरा जाती है मगर व्यूवर्स के कमेंट्स पढ़कर जल्दी ही उसकी सारी टेंशन दूर हो जाती है क्योंकि सारे व्यूवर्स को लगता है कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रही है ताकि उसकी वीडियो वायरल हो जाए, इसलिए कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। ये देखकर रिबेका बहुत खुश होती है और कंप्यूटर पर वीडियो चलता छोड़कर क्लेयर की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए चली जाती है और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है।